नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरु जी पर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताता हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अपने अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने के लिए ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, कुछ इस तरीके का फॉर्म ये होता है। आप चाहें तो इसे अपनी बैंक ब्रांच से भी ले सकते हैं या फिर इस फॉर्म को ऑनलाइन भी डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। डाउनलोड का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस फॉर्म को वन बाय वन करके भरने की। सबसे पहले ये देखिए, ऊपर यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, ट्रांजैक्शन राइट्स और व्यू ओनली। इनमें से आपको उस ऑप्शन के सामने टिक करना है जो ऑप्शन आप जो है अपने इंटरनेट बैंकिंग में लेना चाहते हैं। जैसे ट्रांजैक्शन राइट में अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पैसा ट्रांसफ़र करेंगे और पूरे ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन राइट के सामने टिक करेंगे, और सिर्फ बैलेंस वगैरह चेक करना चाहते हैं ऑनलाइन तो व्यू ओनली पर टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर डालनी है आपको अपने अकाउंट की कस्टमर आईडी। दोस्तों आपके अकाउंट की कस्टमर आईडी आपको अपने बैंक अकाउंट के पासबुक के फ्रंट पेज पर मिल जाएगी। वहां से देख के आपको वन बाय वन करके इन सभी बॉक्सेस में अपनी कस्टमर आईडी फिल कर लेनी है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको वन बाय वन डिजिट्स में यहां पर कस्टमर आईडी डाल लेनी है। ये मैं फ़िलहाल आपको जस्ट डमी डिटेल्स डाल के दिखा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। उसके बाद आपको डालना है आपके अकाउंट का कंप्लीट अकाउंट नंबर, वो भी आपको कुछ इस तरीके से ही डाल देना है जैसे मैं आपको यहाँ पर डाल के दिखा रहा हूँ। दोस्तों जब तक मैं अकाउंट नंबर डालता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको लिखना है यहाँ पर अपने अकाउंट होल्डर का नेम, यानी आपका नाम अगर अकाउंट आपके नाम पर है, और अगर किसी और के नाम पर अकाउंट है तो उसका नाम आप यहाँ पर डालेंगे। सबसे पहले बॉक्स में आपको डालना है टाइटल, यानी मिस्टर मिसिज या मिस। अगर मिस्टर है तो यहाँ पर लिखेंगे MR, और उसके बाद अकाउंट होल्डर का कंप्लीट नेम कुछ इस तरीके से यहाँ पे डाल देंगे। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट और लास्ट नेम के बीच में आपको स्पेस देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर की डेट ऑफ बर्थ, जो ये फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी फॉर्मेट में डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पर डालना है आपको अकाउंट होल्डर का मैरिटल स्टेटस, यानी मैरिड है, अनमैरिड है या सिंगल है। तो इस तरीके से जैसे अगर मैरिड है तो आप यहाँ पर लिखेंगे मैरिड, और अगर मैरिड है तो आपको फिर यहाँ पर अपनी एनिवर्सरी डेट जैसे मैं फॉर्मेट में आपको दिखा रहा हूँ उसी फॉर्मेट में एंटर करनी है। जैसे अगर मान लो आपकी एनिवर्सरी डेट है 15 जैन, तो कुछ इस तरीके से आप 15 लिख के उसके बाद ये यहाँ पर इस फॉर्मेट में लिख देंगे, और अगर अनमैरिड है तो इसको आपको खाली छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल स्टेटस में डाल देना है इंडियन या NRI या फिर फॉरन रेजिडेंस। उसके बाद ऑक्यूपेशन में आप यहाँ पर डालेंगे अपना ऑक्यूपेशन, जैसे अगर प्राइवेट जॉब है तो यहाँ पर आपको लिख देना है प्राइवेट जॉब, अगर गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब, या जो भी आपका प्रोफेशन है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रेफर्ड यूज़र आईडी, और वो यूज़र आईडी कम से कम 6 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। दोस्तों ये वो यूज़र आईडी है जो आप इंटरनेट बैंकिंग के लिए सेट करना चाहते हैं, तो आप अपनी मनपसंद की कोई भी यूज़र आईडी यहाँ पर डाल सकते हैं। आप 3 प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन अगर ये यूज़र आईडी आपको तभी मिलेगी जब जो है बैंक में किसी और ने पहले यूज़र आईडी नहीं ले रखी होगी, तो ये जस्ट आप प्रेफरेंस के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको अपना प्रेजेंट का जो एड्रेस है वो कंप्लीट यहाँ पर डाल देना है। ये जस्ट मैं आपको ऐसे ही फॉर्मेट के लिए लिख के दिखा रहा हूँ, आपको अपना रियल एड्रेस यहाँ पर डालना है। उसके बाद आप यहाँ पर डाल देंगे सिटी XYZ, जो भी आपकी सिटी का नाम है वो। उसके बाद डालना है आपको यहाँ पर स्टेट का नाम, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, और फिर यहाँ पर कंट्री में तो ऑफ कोर्स इंडिया ही आएगा। उसके बाद पिन कोड में आप यहाँ पर अपने एरिया का, जो भी आप अपने एड्रेस में पिन कोड डालते हैं वो पिन कोड यहाँ पर डाल देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है। आपको अपनी एक्टिव और जो करंट में आप ईमेल आईडी यूज़ करते हैं वही ईमेल आईडी आप यहाँ पर दीजिए। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको ईमेल आईडी डाल देनी है। उसके बाद आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो वो दे दीजिए, अदरवाइज यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। इतना करने के बाद ये देखिए नीचे यहाँ पर डिक्लेरेशन वगैरह भी दी हुई है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद सेकेंड पेज पर आ जाते हैं, यहाँ पर अगेन कुछ एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं, आप चाहे तो इन्हें भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आपको लिखनी है डेट, यानी जिस तारीख को आप ये फॉर्म बैंक में जमा करवाएंगे उस दिन की डेट आपको डालनी है, और इसी फॉर्मेट में डालनी है जो फॉर्मेट मैं आपको
दिखा रहा हूँ। उसके बाद प्लेस यहाँ पर डालेंगे, जिस भी जगह आप रहते हैं, जहाँ से भी आपने ये फॉर्म फिलअप किया है, उस जगह का नाम आप प्लेस में डालेंगे। और फिर कर देने हैं आपको अपने रजिस्टर्ड साइन, यानी जो आपने अकाउंट में साइन दे रखे हैं, ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ पर साइन कर देने हैं। दोस्तों अब पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कितना काम करने के बाद बस ये आपका फॉर्म जो है फिलअप हो गया है। इसके बाद आपको इस फॉर्म पर कुछ और नहीं लिखना है। अब ये देखिए नीचे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये फॉर ऑफिस यूज आप देख रहे होंगे लिखा हुआ ये बॉक्स, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, ये बैंक अपनी तरफ से खुद भरेगा। इसको आपको टोटली ब्लैंक छोड़ देना है। ये देखिए, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप जो है इंटरनेट बैंकिंग के लिए फॉर्म भर सकते हैं, उसे बैंक में जमा करा सकते हैं। तो बैंक की तरफ से आपको इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा जो है शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए, हम जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब देंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपके पास ऐसी ही काम की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो रोजाना नहीं मिलेगी।